पता था कि फेवरेट्स हैं, दो पहले बुरे मैच हुए इनके अच्छी टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, एंड वी ऑलवेज न्यू इट्स अ क्लास, इट्स अ वेरी डेंजरस साइड, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टी20 साइड, एक्सप्लोसिव प्लेयर्स स्पेशली। दोस्तों आप आगे देखेंगे पाकिस्तान के लेजेंड बात कर रहे हैं, भारत का जो आज मैच हुआ है और उसके बाद जो सिनेरियो बनेंगे आपको भी पता है, भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अफगानिस्तान को किसी भी हालत में जीतना है, भले वो मार्जिन कितना भी ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें अफगानिस्तान की जीत चाहिए किसी भी तरीके से। आपको बता दूँ ये मैच है अबू धाबी में, जहाँ पर दोपहर को ये मैच है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, 119 रन बने थे, उसमें वो मैच फंस गया था और ऑस्ट्रेलिया ने जैसे तैसे वो मैच जीता था, वैसे ही कुछ कंडीशन होने वाली है क्योंकि अबू धाबी में, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं वो मैच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो दोपहर को मैच है और ये मैच भी दोपहर को होने वाला है। उम्मीद करते हैं मुजीब किसी तरीके से वापस आ जाए और न्यूजीलैंड की टीम अगर पता था कि फेवरेट्स हैं, दो पहले बुरे मैच हुए इनके अच्छी टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, एंड वी ऑलवेज न्यू इट्स अ क्लास, इट्स अ वेरी डेंजरस साइड, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टी20 साइड, एक्सप्लोसिव प्लेयर्स स्पेशली एज फार एज हिटिंग कंसर्न, एंड ऑफ कोर्स वेरिएशन इन देयर बॉलिंग, एंड द वे दे स्टार्टेड ऑफ दे लुक्ड इन कंट्रोल। बुमराह से नया बॉल कराया, उसकी रीज़न भी यही थी कि नए गेंद से विकटें लें और उसने विकटें भी ली। शामी आई एम ग्लैड इज केम बैक इन टू हिज निक, गॉट 3 for, एंड देन जडेजा, बट स्कॉटलैंड की टीम को बिल्कुल आईडिया नहीं था, ऊपर से 3-4 विकटें गुजरी हैं, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और इंडिया ने आके जिस तरीके से बैटिंग की है यार, यू नो 43 गेंदों पे करते तो रन रेट दोनों से ज़्यादा होता, उन्होंने कहा नहीं हमने उससे भी कम गेंदों पे करना है। व्हाई डिडंट दे वसीम भाई, व्हाई डिडंट दे प्ले लाइक दिस अगेंस्ट अस और अगेंस्ट न्यूजीलैंड? आई सपोज अगेंस्ट अस इट वाज जस्ट द फर्स्ट कपल ऑफ ओवर्स when Shaheen Shah got those 2 wickets, yeah. I think उसके बाद इनका comeback हो नहीं पाया, शेल में चले गए और उसके बाद न्यूजीलैंड मैच के साथ भी अर्ली विकटें गंवाई इन्होंने, बट अगर ये क्वालिफाई करते हैं, बट इट्स अ बिग इफ, अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच है, रन रेट जितना मर्जी अच्छा हो जाए, बट दे इंडिया कैन डू, दे कैन डू देयर जॉब, एटलीस्ट प्ले विन देयर गेम्स with big margin and see what happens. And Afghanistan न्यूजीलैंड का मैच का अपना है, बट इनका रन रेट दोनों से अब ज्यादा है। अच्छा आज मिस्बा बुमराह से अटैक करवाया है विराट कोहली ने, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, एंड दिस इज ओनली द फिफ्थ टाइम इन हिज करियर इन टी20 इंटरनेशनल दैट ही इज ओपन्ड द बॉलिंग फॉर इंडिया, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर विराट, वांटेड टू गो एग्रेसिव, गो इन विद द यॉर्कर स्ट्रेट अवे। जाहिर है जी उनकी कोशिश थी कि टॉस जीत के अगर हमने बॉलिंग की है तो जितनी जल्दी हम इनको आउट कर सकते हैं उतनी जल्दी आउट करें और अपने जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएं और विकटें लेने जाएं। तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, एंड आई थिंक जॉब वंडरफुली डन बाय द बॉलर्स। या वकार बुमराह बोल्ड मेड इन ओवर टुडे एज वेल, यू नो, एंड दिस इज फैंटास्टिक बिकॉज this is the 8th time that he's bowled a maiden over in a T20 game. Very the accurate most bowler. By any bowler, if I'm not mistaken. I think, right, I'm going to have to double check on that stat. But 8th time, I know that's for sure. That 8th time, maiden over karaya, T20 eyes ke andar karna bada mushkil kaam hota hai. I think India mistake kar rahi thi usko na naya gend dekar pehle. Kyunki naye gend pe jo uska slower one hai, wo to bilkul hi nahi pakda jata. And if you are in a mode के जहाँ पे आपने अर्ली runs करने हैं और उसको you know you want to play your big strokes, आज भी देखा कि ना सिर्फ उसने wickets ली बल्कि जो उससे slower ones थे वो क्या हो रहा था कि वो pitch में रुक रहे थे, वो जो भी push मारते थे it was going in the air। मैं कहता हूँ उसने कितनी wickets ली, 3 wickets ली, 2 wickets ली जी, he could have taken even more than that because he was superb today, yeah. I think this strategy works for them. And I think also उन्होंने जो आज 3 spinner और 3 pacer जबकि 3rd pacer की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको, I think ये इनकी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर है, इससे बैलेंस भी बेहतर होता है, आपके पास एक्स्ट्रा बैट्समैन भी आ जाता है, आपके बॉलर पूरे हो जाते हैं, बल्कि बॉलर पूरे क्या, दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन अप, लुक एट दैट, दे बॉल गए। I have a question while you are discussing जी Bumrah. जी जरूर जरूर विकी, my question is जो एवरेज बंदे का यंग अपकमिंग बडिंग फास्ट बॉलर्स का क्वेश्चन है जी, कि इतने छोटे रनअप से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है, हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी? एग्जैक्टली द वे यू डिड इट, या प्रोबेबली, बट माय हिज रनअप इज इवन शॉर्टर देन माय, हिज रनअप इज स्लोअर देन यू, या स्लोअर देन आई वुड से दैट, या यू आर स्टिल रनिंग इन, ही इज लाइक लिटरली होपिंग, या ही इज मोर लाइक अ
जेवलिन थ्रोअर। अच्छा, तो सारी जो उसका पेस आती है वो उससे आती है, जनरेट जो करता है पावर बेसिकली फ्रॉम दिस एंड ऑफ कोर्स ही इज गॉट दिस हाइपर एक्सटेंशन आर्म आल्सो व्हिच विप्स थ्रू, वो मारता ना ऐसे। हालांकि उसको कंपेयर कर रहे हैं वो उसके अफगानी बॉलर के साथ। विकी भाई, क्यों अगर आप हमें डेमोंस्ट्रेट ना करते, क्योंकि आप बता रहे थे कि जो नवीन है वो और बुमराह में फर्क ये है कि एक की हिप जल्दी खुल जाती है और एक ही बाद में। गुड आइडिया, मेरा ख्याल है शलवार कमीज में मेरी तरह हिप मेरी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। प्लास्टिक है ना, प्लीज बस नहीं, प्लीज नहीं, मैं इधर बैठ के समझा, नहीं नहीं पता नहीं चलेगा सर, हिप में पता चलेगी ना, मेरी हिप इस टाइम रोटेट हो ही नहीं रही, आपने खाने का बताया नहीं। नहीं, मैं इस वजह से पूछ रहा, भी तो है कुछ हाइपर। नहीं, मेरा मेरी सिर्फ जो मतलब स्लिंगी हूं मैं, आई एम मोर ऑफ अ स्लिंगी ऑफ काइंड ऑफ अ बॉलर ना, तो मैं जो है वो जनरेट करता हूं पेस शोल्डर के साथ ज्यादा। स्लिंगी का मतलब स्लिंगी होता है वो बॉल करता था, मलिंगा मलिंगा टाइप, पर मलिंगा का तो प्रॉपर उसकी भी जो रोटेशन है वो आप देखेंगे कि वो पहले यहां पे जाता है और उसके बाद ही फिनिश लाइक, मैं थोड़ा सा फ्रंट ऑन होके जो है वो आई गो लाइक दैट। ओके, ये थोड़ी बात नहीं मानता, वरना वरना ये इसको थोड़ा सा जंप की जरूरत है, द टाइम ही जंप्स अ लिटिल बिट हायर he gives himself more time at the crease, he bowls a lot quicker than ye banda seekh sakta hai at certain after 10 saal international cricket khel ke certain age saying, you mean certain after playing say after 5-10 years of cricket you actually is pakka ho jata hai aapka. I mean it is hard work, I mean agar if you want to play international cricket then you have to be at the top. Dekho, of the imran Dale Steyn was there, Dale Steyn end tak he was just you know top draw and then he left cricket. Yeah, so agar jab aapne khelni hai then you can't just say okay main itna kar leta hu utna nahi karta hu, so for him I feel once he jumps more because of when isko shuru se dekha khelte hue, once he have more time at the crease and he can gather it and he's a lot quicker. Yeah, absolutely. Okay folks, with that we're going to take a break here in the pavilion. When we come back there's more to talk about. Keep watching Ace Sports and 10 Sports. Milte hain is waqfe ke baad. Welcome back to the Pavilion. Main Fakhr Alam, aap dekh rahe hain Sports 10 Sports, and with me in the Pavilion, Pakistani legends and superstars Waseem Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq, and Wahab Riaz. Aur dosto, baghair kisi taakhir ke, aapko lekar chalte hain Man of the Match, brought to you by Pakistan Cables. All right, Waqar, now the situation is ke India ka net run rate jo hai, wo Afghanistan se bhi behtar ho gaya, aur ab wo points table mein teesri position pe aakar baith gaye New Zealand ke baad, aur अगला मैच उनका जो है वो नामीबिया से है, और फाइनली जो सबसे बड़ा मैच है जिस पे वो काउंट कर रहे हैं वो है अफगानिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, और वो है शारजा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अबू धाबी, अबू धाबी, दैट सूट न्यूजीलैंड, दैट सूट्स न्यूजीलैंड, ट्रू, बट दिस इज द मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, 119 रन का टारगेट था, सो इट्स अ लो स्कोरिंग पिच दैट दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होप ऑन दैट मैच। बिल्कुल, इंडिया मोहताज है इस टाइम अफगानिस्तान का, तो मैच जीतेंगे तो कुछ बात बनेगी, वरना मेरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती है अफगानिस्तान से तो जो अगला मैच होगा वो कौन खेलेगा, बिकॉज देयर विल बी अ डेड रबर बेसिकली, क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी, राइट, तो प्रॉबली आज जीत गए हैं, दे प्लेड रियली वेल, दे वर फार बेटर टीम इंडिया, लेकिन ये है कि they'd be sitting next to the television for the next game and hoping and praying so, KG wo match how difficult it is, a question to all three of you, will be for Afghanistan skipper to motivate his team the way they lost the game against India a couple of days ago? Hard, because unko bhi ye nazar aa raha hai ki agar hum jeet bhi gaye to hamare liye chances kam hai, ab to nahi hai, मतलब अब तो अब न्यूजीलैंड से वो कोई 70 रन से जीतेंगे तो तब बात बनेगी ना, पॉइंट टेबल में अभी भी पीछे लेकर आए दोबारा एक दफा सामने, एक दफा फिर पॉइंट टेबल पे नजर डाल लेते हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया पर, वहाब इज वेरी गुड विद नंबर्स, गो ऑन वहाब, दिस इज योर्स ब्रदर, रन रेट इतना फर्क नहीं है अभी, अगर वो जीतते हैं तो दे हैव द चांस, आई थिंक दे हैव अ चांस, द थिंग इज उनका जो मैच है इंडिया का जो आखिरी मैच है वो देखें ना किसके साथ है, देखिए अगर ऑब्वियसली अगर न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना है तो उनको अफगानिस्तान से स्ट्रेट अवे मैच जीतना है, एंड इंडिया विल बी आउट ऑफ द इक्वेशन, ओके, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से मैच जीत जाती है तो ऑल द एडवांटेज गोज टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज नाउ सेट, अगर